इसलिए हम कहेंगे कि रिलैक्स्ड आई से हम लोग चीजों को देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्ट का रखिए 200 सेंटीमीटर तो क्या मैं सबसे पहले लेंस लगाऊंगा फॉर मुझे नहीं पता माइनस ऑफ वन बाई जो कि मुझे पता है विच इज माइनस ऑफ टू हंड्रेड यानी क्या मैं लिखूंगा वन बाई इज इक्वल टू कितना लिखूंगा माइनस वन बाय टू हंड्रेड ऊपर नीचे फाइव फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा फोर अपॉन टू हंड्रेड विच कम्स आउट टू बी वीओ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास मेरे पास ये वैल्यू आ गई और फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है ये चीज समझ में आई अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समझो कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है ऑब्जेक्टिव आईपीस और ऑब्जेक्ट रखी है मेरी यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखी है मेरी यहां पे कहीं पे ठीक है अब इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी और इसको मैं कहां पे बनाऊंगा इमेज को इस तरीके से बनाऊंगा कि ये आईपीस की फोकल लेंथ पे बने ताकि फाइनल इमेज इंफिनिटी बनेगी रिलैक्स टाइप से देखनी है मुझे सो क्या मैं कह सकता हूं जो टोटल लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप होगी हमारी वो होगी VO FE यानी एल की वैल्यू होनी चाहिए वी ओ प्लस एफ ई वी ओ कितना है फिफ्टी एफ ई कितना है फोर तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर सेंटीमीटर ये मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए गलत हो गया बी गलत हो गया सी गलत हो गया डी सही हो गया हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल द बेस्ट